भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के आज हमने आम जनता के विचार जाने की, क्या उनके विचार है कि चीन के द्वारा जो इस तरह की लगातार हरकतें की जाती हैं उस पर आम जनता ने अपने आज विचार रखे हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं उनके क्या विचार रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमारे भारत 1962 की तुलना में आज बहुत सक्षम है और हमारी सेना के आधुनिकीकरण होने से सीमा की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है और चीन को मुंह तोड़ जवाब हमारे सेना के द्वारा दिया जा रहा है। चीन को भारत की जो सेना है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इसी तरह की घटनाएं जो चाइना करता था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब वो समय चला गया कि उसने भारत की सीमा की जो जमीन है वो कब्जा की, वो चाइना भी समझ चुका है और पूरा विश्व समझ चुका है कि भारत में इस समय किस तरह की नीति चल रही है और भारतीय सैनिकों ने जो भी कार्य किया है वो सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा पूर्व में 1947 के समय से जो जमीनें चाइना ने कब्जे की हुई है वर्तमान सरकार उसे भी मुक्त कराएगी, मैं उम्मीद करता हूँ और भारतीय सेना सर्वोपरि है। देखिए जिस तरह से आज भारत और चीन की सीमा पर विवाद चल रहा है, चीन की पुरानी आदत रही है हमेशा से वो नापाक हरकतें करता रहा है, लेकिन इस बार हमारे सैनिकों ने उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और इस तरह की हरकतें कभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं और ना ही की जाएंगी। भारत और चीन की सीमा पर तनाव कोई आज नई बात नहीं है। चाइना एक ऐसा देश है जिसकी विचारधारा के लोग भारत में भी हैं लेकिन वो विस्तारवादी है और कहीं ना कहीं दगा करता है और उस दगा का जवाब जो है बहुत कूटनीतिक तरीके से दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग लामबंद हो रहे हैं और विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन भारत ने फिर भी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है, इसके लिए मोदी जी साधुवाद के पात्र हैं। बॉर्डर तक सड़कें बनी हैं, टनल बन गई वहाँ पर, तो काफ़ी कुछ जो है भारत की सैन्य शक्ति वो 1962 वाला भारत नहीं है। इसमें देश काफ़ी सैन्य शक्ति में मजबूत है और देश निरंतर जो है आगे बढ़ रहा है और ख़ासकर जो सामरिक शक्ति है उसमें देश ने बहुत प्रगति की है। इसमें तो चीन से हमें चाहिए कि इसको सशक्त जवाब दे उसको और हमारी गवर्नमेंट को होना चाहिए कि उसको उसी लेवल पर डायरेक्ट प्रेजेंट की उसमें बातचीत में मुद्दा उठाए डायरेक्ट और उसमें किसी भी चीज़ पर झुकना नहीं चाहिए उसको, मैं यही कहना चाहूँगा उसको। यही है भारत हिंदुस्तान की जमीन है, कोई बाहर का कोई भी आएगा उसको मुंह तोड़ जवाब। इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, चीन को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया इसका और आगे भी हम जो है इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सेना बिल्कुल तैनात है और हम चीन ने अगर इस तरह से आगे भी घुसपैठ करने की कोशिश करी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और चीन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। हमारी सेना सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने सेना को बिल्कुल खुली छूट दे रखी है कि कहीं पर भी सीमा पार से कोई भी आतंकवादी घुसपैठ होती है या कोई भी किसी भी प्रकार की घुसपैठ होती है तो हमारी सेना इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। और हमारे निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में सकारात्मक कदम उठाकर आर पार करना चाहिए, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हर वर्ष में देखने में आता है कि चीन भारत पर अटैक करने का, चोरी हुई सीमाओं से अटैक करने का प्रयास करता है और मुंह की उसको खानी पड़ती है। अब की आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मंत्रालय क्यों नहीं इन पर कार्रवाई करने के इच्छुक हो रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। चाइना बॉर्डर पर लड़ाई जो सैनिक हमारी सीमा में प्रवेश करते हैं, निश्चित ही माननीय मोदी जी वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज की सहायता लेकर इस पर अटैक बहुत जल्दी करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सियाचिन में भी अभी आपने पिछले समय से देखा कि सियाचिन में भी उन्होंने जो है क्या कहते हैं गद्दारी से मारपीट करने की कोशिश की, जीतने की कोशिश की, लेकिन हम सेना के जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी प्रकार अभी भी अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, वहाँ पर भी हमारे जवानों ने
लाठियां मार मार कर उनको पीछे धकेला, लेकिन निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि चीन हमारी तरफ देखने का ना कर सके। ये अशोकनीय कार्य है चीन की तरफ से, जिसको एक अनिंदनीय और एक अघोरणीय पाप के समान चीन को जो शराब हम भारत के अनुसार एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण जवाब देंगे, उसमें 9 दिसंबर को अरुणाचल के तमाम सेंटर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में सोची समझी साज के तहत चीन के पास और चीन के सैनिकों के पास लाठी डंडे और कटीले जो हथियार थे, उससे उन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों पर जो एक पीछे घाती जिसे कहते हैं पीठ झोंक कर एक पीछे से जो हमला किया, उसके लिए हम एक अघोर निंदनीय पाप के समान इस चीन को नापते हैं। और आगामी हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से एक विश्वास पत्र लेकर इनको एक महत्वपूर्ण जवाब देने की एक कार्रवाई के लिए तहत चीन को एक महत्वपूर्ण जवाब देने का, एक कोरोना फैलाने वाली ये चीन आज भी बाग नहीं आ रही है, इसके लिए हम भारतीय सैनिकों को तुरंत मोर्चा संभालने का जो एक बहुत मजबूती से तुरंत मोर्चा भारतीय सैनिकों ने संभाला है, उसके लिए हम उनके लिए एक आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे भारतीय सैनिकों ने जो महत्वपूर्ण जवाब दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं सभी देश और सभी देश के सभी नागरिकों से सभी सैनिकों से ये कहना चाहूँगा कि चीन को एक महत्वपूर्ण जवाब दें और इसको दूरी बनाए रखकर इसको एक नापाक साजिश के तहत महत्वपूर्ण जवाब देने की कार्रवाई करें। पिछले कुछ समय से चीन निरंतर हमारी सीमाओं पर अनाधिकृत रूप से गतिविधियाँ उसकी बनी हुई है। केंद्र सेना अपना काम, सेना के जवान अपना काम, सीमाओं की सुरक्षा बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, लगातार उनको कठोर ढंग से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ अब आवश्यकता है कि केंद्र सरकार को अपने रुख में बदलाव करते हुए चीन से व्यापार या अन्य गतिविधियों पे अब इस तरह की घुसपैठ पे बहुत कड़े शब्दों में बातचीत करनी चाहिए। जैसा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि चीन के साथ लाल आंख से बात करनी चाहिए, अब समूचा देश केंद्र सरकार और उसका नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ उसी कठोर निगाह की अपेक्षा करते हुए देख रहा है। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे सैनिकों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और यह हमारे देश की अहिंसा का भी सवाल है। हमें अपने देश की सुरक्षा करनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी को हमारे जो है जितना ज़्यादा सख्त एक्शन ले सकते हैं वो लेना चाहिए। किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? हम भारतवासी हैं, हमें पहले अपने देश की चिंता है, हम अपने देश के सैनिकों के साथ हैं पहले, बस यही नज़रिया है। बड़ी अशोभनीय घटना थी जिसमें भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जो भारतीय सैनिकों के ऊपर नुकीले कांटों के द्वारा, नुकीले हथियारों के द्वारा जो भारतीय सैनिकों को क्षति पहुँचाई, वो क्षति भारतीय सैनिकों के ऊपर हुई है। मेरा तो सुझाव यही है माननीय मोदी जी जो है जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस तरीके से चाइना के ऊपर ये भारतीय सैनिकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से भारतीय सैनिकों के ऊपर जो है हमला हुआ, उस हमले का मुंहतोड़ जवाब जो है चीन को ऊपर देनी चाहिए। बहुत अशोभनीय और बहुत गंदा काम किया है चाइना ने। हमारा मानना है कि भारतीय नागरिकों को और भारत देशवासियों को पूरी तरह से ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, उस तरह से चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उनको ये सबक सिखाना चाहिए कि हम भारतीय क्या हैं, हमारी मूलभूत जो हमारी संस्कृति है और जो हम सोचते हैं अपने देश के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में, उसके ऊपर एक मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी बनता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि उनको एक
एयर स्ट्राइक के रूप में उनको भी जवाब देना चाहिए, जिससे कि वो जिस तरह की हिमाकत कर रहे हैं इस देश के लिए, भारत के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब अवश्य। देखिए, जो कल चाइना की ओर से किया गया उसमें भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके लिए देशवासियों को बहुत गर्व से जो है सीना चौड़ा हो गया कि हमारे को गोली बारूद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, लट से जो है ऐसा जवाब दिया गया। मोदी जी ने खुली छूट दे रखी है सेना को, अगर किसी ने देश की तरफ बुरी नज़रें डाली तो उसकी जो है लट से बजाओ, उसकी आंखें निकाल लो, जो मर्जी करो आप, मगर देश की तरफ अगर किसी ने आपके गलत इरादों से अगर नज़रें डाली हैं तो आप उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज हर देशवासी का सीना चौड़ा है क्योंकि सेना के साथ खड़ी है। पूरा विश्व को भी पता चल गया कि हाँ, जो काम गोली और बारूद नहीं कर सकता वो हिंदुस्तान का डंडा ज़रूर कर सकता है, और इससे पाकिस्तान भी जो है एक सबक ले ले। ये जो वो LOC क्रॉस करके जो देश में आतंकवाद फैलाने का काम करता है वो भी सुधर जाए, वरना ऐसा नहीं कि घर में घुस के डंडा मारा जाए। पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और मुँह तोड़ जवाब दिया था आतंकवाद के खिलाफ, और आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। चाइना को हम ऐसे देखते हैं कि चाइना जो बार बार परेशान करता है हमें, तो जो हमारे भारत के सैनिक हैं वो कभी भी अपने देश पे कोई आँच नहीं आने देते, और जो जवाब दिया है लाठी डंडे से वो बिल्कुल दिया है, और सरकार की तरफ से बिल्कुल खुली छूट है। ये ऐसी जो हिमाकत ये करते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि ये बार बार ऐसे करेंगे तो इनको इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है हमारे सैनिक मुस्तैदी से तैनात पड़े? बिल्कुल, हमारे सैनिक चट्टान की तरह खड़े हैं और चाइना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारे जो मोदी जी का पूरे विश्व में मतलब जिस तरह से उनका दबाव है, मतलब और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिस तरह से उन्होंने हमारे तरफ कोई आंख मंगा के देख नहीं सकता, जैसे चाइना ने पहले भी अटैक किया था एक बार ऐसे इस तरह से करा था, लेकिन उसका भी मुँह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया। तो अब वो पहले वाली बात नहीं है कि हमारे पे कोई आंख उठा के देख सकते, अब हमारी इस टाइम मोदी जी का जो नेतृत्व है इस टाइम हमारे जवानों का भी हौसला बुलंद है, और वो जवानों ने कल करारा जवाब दिया और उन्हें पीछे खदेड़ा, इस तरह से आप देखते हैं हर भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा है, क्योंकि अब वो पहले वाली सरकारें भी नहीं रही, अब इस टाइम मोदी जी का सरकार है, और अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो हम लोग हमारे जवान भी इस टाइम पूरे खुली छूट है कि वे आप पूरी, पहले तो उनके हाथ भी बंधे हुए थे, अब तो उनको भी कह रखा कि अगर कोई किस तरह से कोई अगर जवाब दिया जाए तो आप मुंह तोड़ जवाब। इसको कैसे देखा नहीं जा सकता, इसको गहराइयों से देखना पड़ेगा, ये कोई हल्का मामला नहीं है। आज आप देखिए ना पूरे देश की स्थिति क्या है, कई महीनों से लड़ाई चल रही है, हर आदमी एक दूसरे को देख रहा है कि किसकी तरफ कब मैं कब्जा करूँ, कब कब्जा करके उसके घर में घुस जाऊँ, लेकिन अगर हम लोग सोते रहेंगे तो लोग तो घुसेंगे किसी के हमारे घर में, जिनसे हमें पहले उम्मीद दी कि जो हमारे साथ खड़े होंगे वो उनसे हम दोस्ती करेंगे तो वो तो हमारे घर में और नुकसान देंगे ना हमें, और वो नुकसान का खामियाजे तो सामने आ रहा, लेकिन उन्होंने अभी भी इनकी आँखें नहीं खुल रही। आज अगर आर्मी ना हो, आज देश के रक्षक ना हो तो क्या होगा, इस देश का पता भी नहीं लगेगा। जो बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं है, बड़े नेता सिर्फ काजू की बर्फी खा रहे हैं और आर्मी का जवान जो है ना बॉर्डर पर खड़ा हुआ गोली खा रहा है। क्या सुझाव देना चाहिए? मेरा ये सुझाव है कि इस पर जो सीरियस होना चाहिए सरकार को, और बहुत गंभीरता से, और किसी पर भरोसा ना करे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। क्यों? कि अगर हमारा घर मजबूत नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी हमारे घर में घुस जाएगा, इसलिए हमें उससे चौकस रहना पड़ेगा। हम उसे अपने घर पर बुलाने से पहले 10 बार सोचें कि उसे हम बुलाएं या नहीं बुलाएं, क्योंकि हमारी कमजोरी घर में आने के आदमी भापता है, बाहर से नहीं, बाहर से हम उसे ताकतवर लगते हैं, लेकिन हम जब बार बार उसके घर जाते हैं ना तो उसको हमारी कमजोरी महसूस होती है, इसके पास कुछ नहीं कि हमारे पास बार बार आना, इसलिए हम झुके ना, अकड़ के बात करें उससे, अकड़ के बात करेंगे तो सीना तान के चलेंगे, अगर सीना तान के चलना है तो किसी से झुकना भी नहीं है। अपने सैनिकों की बात करिए तो किस तरह से? सैनिकों का सम्मान मैं बार बार कहता हूँ, सैनिकों का सम्मान तो हर घड़ी होना चाहिए, उन्हीं की एक सादत है जो आज हम इस देश में रोटी खा रहे हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और ये नेता लोग जब काजू की बर्फी खा रहे हैं। अगर सैनिक बॉर्डर पर ना हो ना तो आपको कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड आपका ऐसा महान प्रदेश है जिसका आर्मी का जवान गढ़वाल रेजिमेंट जिसे कहा जाता है उसके बारे में कोई नहीं जानता, और बॉर्डर पे गढ़वाल रेजिमेंट के लोग ही खड़े होते हैं जो लड़ने में और गोली चलाने में देरी नहीं करते, और देश को आज बचा रखा तो सिर्फ गढ़वाल रेजिमेंट की एक ऐसी फौज है जो उत्तराखंड की है, जिसको बार बार सलामी दी जाए, मैं उसका सम्मान करता हूँ।
देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। जो हमारे फौजी लोग हैं, फौजी हमारी जो फौज है, उनका भी मॉरल इतना बूस्ट किया है उन्होंने कि आज वो किसी भी हद तक इंडिया के फेवर में वो फाइट कर सकते हैं और हर कर सकते हैं। और उन्होंने इतनी इज्जत दी है फौजियों को और इतना उनका मान सम्मान किया है, किसी भी तरह से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जी जान से लड़ेंगे। और चाइना तो अब उनके लिए एक पीनट है, चाइना अब वो पुराना चाइना से डरने वाले नहीं हैं। और आज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए सारे इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका मॉरल बहुत बूस्ट कर रखा है हमारे। हम उन वीर सपूतों को सलाम करते हैं और भारत की फौज 1962 वाली फौज नहीं है। फौज तो पहले भी स्ट्रांग थी, लेकिन उनके पास उस समय संसाधन नहीं थे, ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना गोली बारूद था, ना उस प्रकार का उनके पास सजो सामान था। आज मोदी सरकार में सेना पूरी तरह से सुसज्जित है और बॉर्डर एरिया में उनको हर सुविधाएं मिल रही हैं। ये कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलो, कम्युनिस्टों का मैं मानता हूँ, उनका चाइना प्रेम रहता है, लेकिन कांग्रेस तो क्यों चाहती है कि देश के जो खुफिया तंत्र के या सेना के जो सीक्रेट है उनका लोग सामने खुला सकें। समझ में ये नहीं आ रही कि कांग्रेस मांग कर रही है कि संसद में चलने दे रही, उसमें बहस करो, किस बात की बहस? आज तक कितनी बार बहस हुई? और देश के है फौज के बारे में संसद में, हमारे सेनाओं के बारे में संसद में डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। उसे दूसरे दुश्मन मुल्क को आप अपनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं और हमेशा आशा भी है कि इसी प्रकार जिस प्रकार से वो अपना वीरता शौर्य का प्रकाश देते रहे। देखिए, चाइना तो शुरू से ही जो है इस तरह की उकसाने वाली हरकतें करता है, लेकिन आज चाइना को ये समझ आना चाहिए कि आज हिंदुस्तान की फौज जो है 62 वाली फौज नहीं है, आज जो है 2022 की फौज है। और जिस तरह से हमारे जवानों ने उनको जो है दौड़ा दौड़ा कर जो है उनकी सीमा तक भेजा है, उस यही संदेश काफ़ी है चाइना के लिए कि अब इंडिया सैन्य रूप से बहुत ताकतवर हो चुका है, देश का नेतृत्व तो बड़े सक्षम हाथों में है। तो इस प्रकार की कोई भी भूल यदि चाइना करता है तो उसको इसके परिणाम। और सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भारत की सीमा पे जो चीन का फिर से एक तरीके से गलत इरादों से घुसपैठ हुई है, उसका हम विरोध करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी जनता से अपील करते हैं कि हमारे जो देश के जवान आज हमारी रक्षा के लिए करके सीमाओं पे खड़े हैं, उनका भरपूर साथ दें। और साथ ही साथ जो है हम अपनी सरकार से, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस ओर जो है देश की सुरक्षा हेतु जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चींटी चाहे तादाद में कितनी भी हो, एक गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। और हम आम आदमी और हमारे हिंदुस्तान की जवान इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको जो है बहुत अच्छी तरह से खदेड़ना जानते हैं। और जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने उन चीन के जवानों को डंडे से मार के खदेड़ा, वो एक गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत जो है एक अच्छी बात। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की जो हमारी सेना है ना, और अपने आप में सक्षम है। ये ज़बरदस्ती का चीन परेशान करने वाला काम कर रहा है, जिस तरीके से, मतलब अभी भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उनके सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन इसमें सीधे सीधे भारत सरकार को फिर दो टूक की नीति अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तरफ तो बड़े गर्मजोशी से हाथ भी मिलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। ये क्या है? देखो, अगर युद्ध तो वैसे कोई चीज़ का हल नहीं है, वैसे जो भी अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर भारत के भी लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, फिर तो हमारे संग सक्षम ही है वो भी। तो वो जैसे भारत और चीन का युद्ध चल रहा है, इसमें युद्ध से कोई समस्या का हल तो नहीं होगा। अगर हाँ, अगर युद्ध करना चाहें तो हमारी भारत और सैन्य भी तैयार है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। युद्ध में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़े नहीं, इससे कि अगर युद्ध होता है तो हमारी भारतीय सेना सक्षम है युद्ध करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या युद्ध लड़ा जाना चाहिए?
ऐसी स्थिति में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते अपनी आर्थिक स्थिति ठीक है तो युद्ध हो, अगर चीन हमारी भारतीय सेना युद्ध कर सकती है। हाँ, इस पर मैं सुनना कहना चाहूँगा कि भारत को ये देखना चाहिए कि जब तक लड़ा ना जाए ना लड़े, पर अगर लड़ना ही पड़े तो पीछे ना हटा जाए, और हमारी इस समय सेना सक्षम है हर काम को करने के लिए और एक अच्छा नेतृत्व इस देश के साथ इस समय है। इस समय भारत और चीन सीमा पर जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, युद्ध किसी भी समस्या का वैसे तो हल नहीं है, और अगर सेना चाहे तो बातचीत से इस समस्या का समाधान निकाल सकती है, लेकिन अगर चीन अगर अपनी हरकतों से बाहर नहीं आता है तो भारत की सेना उसका जवाब देने में सक्षम है, वो 1962 वाला भारत समझ की युद्ध की कोशिश ना करें। देखिए, जहाँ तक युद्ध का सवाल है तो सेना, भारतीय सेना किसी से जो है कम तो है नहीं, हर चीज़ का जवाब देने में सक्षम है हर तरीके से, पर यह कि भारत की एक सभ्यता रही है, एक संस्कृति रही है, अगर बातचीत से ही मुद्दे अगर सुलझ रहे हैं तो ठीक है, युद्ध की नौबत ना आए, क्योंकि युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होगा, इसका प्रभाव जो है इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, फाइनेंशियल भी उस पर भी पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से युद्ध होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल की दृष्टि में नहीं होना चाहिए, बातों से अगर मामला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो भारत चीन सीमा पर जो युद्ध की स्थिति बन रही है, हर चीज़ का हल युद्ध नहीं होता है, कुछ ऐसा है कि जो बातों से या मीटिंग सभा करके कोई भी निर्णय निकाल लिया जाता है वो ठीक रहता है, नहीं अन्यथा हमारी भारत की सेना इस टाइम हर प्रकार से सक्षम है मुद्दे और जवाब देने के लिए, ऐसे चीन ना समझे कभी कि भारत अभी पहला जैसा भारत है। हमारी सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई सामने आ रही है, बार बार लगातार चाइना की तरफ से जो सेना है वो बार बार हमारी सीमाओं में घुसने का प्रयास करती है, हमारी जो ज़मीन है, जो भारत की जो ज़मीन है उस पर कब्जे का लगातार प्रयास हो रहा है। सरकार का दावा है, सरकार के लंबे समय से सरकार कह रही है कि इस पर लगातार उनकी नज़र बनी हुई है, लेकिन जो हमारे जवानों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा गंभीर बात है। चाइना की जो सेना है वो पिछले कई साल से लगातार किसी न किसी बहाने से वो लगातार हमारी सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे ज़मीन है उस पर जो कब्जे का लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद ही गंभीर है। सरकार को इस मुद्दे पर, इस बात पर बेहद ही गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उनको चाइना को खुले शब्दों में समझा देना चाहिए कि हम भारत पिछला भारत नहीं है, ये नया भारत है, कोई भी कोशिश उनकी नाकाम होगी। हर बार चाइना गलती कर रहा है, हमारी फौजें मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, इसलिए इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष या कोई विरोध की गुंजाइश ही नहीं है, हमारी फौजें जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगी। विकास जी, देखिए चाइना की आदत है बार बार ऐसा करने का, और हमारी सेना महत्वपूर्ण बहुत ही ताकतवर तरीके से जवाब दे रही है, हमारी देश की एक भी इंच जमीन चाइना के पास नहीं जाएगी, हमें अपनी सेना पर पूरा यकीन है। इंडिया वॉइस के माध्यम से लोगों से अपने उनके विचार जाने हैं कि भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद और तनाव चल रहा है उस पर उन लोगों ने, आम जनता ने अपने विचार रखे, उन्होंने बताया कि जो हमारी सरकार है उससे भी अपेक्षा है कि वो सेना को खुली छूट दे दे और इनको मुँह तोड़ जवाब दे। यही विचारों के साथ हम इंडिया वॉइस की तरफ से उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इंडिया वॉइस के लिए अंजना गोयल की रिपोर्ट।